इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और भोजपुरी इंडस्ट्री की सभी खबरें पाइए, साथ ही इस घंटी को दबाइए ताकि भोजपुरी की सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज के इस खास रिपोर्ट में एक सच्ची घटना है, बिल्कुल आंखों देखी और उस जगह पर मैं गया हुआ था। यकीन मानिए अगले 10 मिनट या 15 मिनट में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल आंखों देखी ये हाल है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। छठ पूजा जिस दिन ख़त्म होता है, आखिरी दिन छठ समारोह रखा गया दिल्ली में, उस जगह का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी परेशानी भी हो सकती है मुझे इसके लिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दिल्ली में वो स्टेज शो था और स्टेज शो में बताया गया कि पवन सिंह आने वाले हैं, हालांकि वहाँ पर उनका पोस्टर नहीं लगा हुआ था, लेकिन उस पोस्टर पर छोटा सा एक नाम लिखा हुआ था कि पवन सिंह, सुर संग्राम विजेता आलोक कुमार, आर्य नंदिनी और मैथिली सिंगर आकाश झा और तमाम सिंगर्स और भी थे जो आते। तो उस दिन आपको ये भी पता होगा कि छठ पूजा वाले दिन सुबह सुबह लगभग 3-4 बजे बारिश हुई थी और उसके बाद ये रात को प्रोग्राम था। हम लोग वहाँ गए थे और काफ़ी दर्शक भी वहाँ पर गए सिर्फ पवन सिंह को देखने के लिए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी लगभग वहाँ पर 300 लोग या 350 लोग तो वहाँ पर होंगे। तो मुझे काफ़ी शौक लगा, धक्का लगा कि पवन सिंह जहाँ पे आने वाले वहाँ सिर्फ 300 लोग आएंगे, ऐसा ये कैसे हो सकता है। जहाँ पवन सिंह का नाम सिर्फ वायरल हो जाए तो हज़ारों लाखों में भीड़ हो जाती है, तो मुझे काफ़ी अजीब सा भी लगा। उसके बाद हमने वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके साथ जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे वो मेरे जान पहचान के थे, उनसे मैंने पूछा कि भैया क्या पवन सिंह आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पवन सिंह नहीं आएंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे आकाश झा तो आएंगे। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या कह रहा है, ये बड़ा अजीब सी बातें कर रहा है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब पवन सिंह को देखने आएंगे, आकाश झा या किसी और को क्यों देखने आएंगे कोई। उसके बाद मुझे तब भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर नाम ही मैंने सुन लिया था पवन सिंह, इसलिए दिल नहीं मानता। और सभी दर्शक जिस तरीके से पागलों की तरह खड़े थे, हम भी उस पागलों की भीड़ में खड़े थे पवन सिंह को देखने के लिए। फ़ोन अपना चार्ज करके लाया था कि पवन सिंह का स्टेज शो रिकॉर्ड करके आप सभी दर्शकों को हम दिखा सके। तो सबसे पहले वहाँ पर आकाश झा जो मैथिली सिंगर है उन्होंने गाना गाया, बहुत देर तक उन्होंने गाना गाया, लगभग 5-6 गाने गाए। उसके बाद ये प्रोग्राम लगभग 7:30 बजे शुरू हुआ था और उन्होंने गाना गाया। उसके बाद आर्य नंदिनी की बारी आई, आर्य नंदिनी ने वहाँ पर गाना गाया। और हालांकि हम आपको एक जानकारी और बता दें कि आर्य नंदिनी हमेशा दिल्ली में जब भी वो प्रोग्राम करती हैं तो मनोज तिवारी जी के कहने पर ही वो आती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अभी लिंक नहीं है, इतनी बड़ी वो गायिका नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले समय में वो बहुत बड़ी गायिका होंगी क्योंकि कम ही एज में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है, तो शायद ही कोई कर सके। तो आर्य नंदिनी भी आई थी और उन्होंने गाना गाया, लेकिन उन्होंने काफ़ी देर तक गाना गाया, लगभग 5-6 गाने उन्होंने गा दिए और काफ़ी बड़े बड़े गाने थे, लगभग एक एक गाना 5-5, 7-7 मिनट से भी ऊपर के गाने थे वो। और ऐसे कर कर के लगभग 9:30 बज गया, जब 9:30 बजा तो 9:50 हो गया, फिर तब भी उन्होंने कहा कि मैं एक आखिरी गाना गाऊंगी। फिर उन्होंने वो गाना गाया और गाते गाते जैसे उन्होंने गाना गाया तो बारिश आ गई, वो हल्की बूंदाबांदी थी और तुरंत वहाँ से ऑर्गेनाइज़र भाग गया। ऑर्गेनाइज़र का कुछ पता नहीं है और जो लगभग 200-250-300 लोग थे वहाँ पर वो लोग पंडाल में छुपने लगे, लेकिन बारिश थोड़ी सीधी थी, हवा तेज नहीं था बिल्कुल भी, जिसके कारण जो बारिश है वो सीधी पंडाल में आने लगा और दर्शक भी उसमें भीगने लगे। तो हमने क्या किया, हम लगभग 15-20 जने थे और क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला था इसलिए थोड़ा बहुत मैंने वहाँ तेज़ी दिखाई और त्रिपाल उठाया, एक प्लास्टिक का त्रिपाल था रखा हुआ, उठाया मैंने। और त्रिपाल को उठाने के बाद हमने 15-20 लोगों ने पकड़ लिया और उसी की त्रिपाल के नीचे आ गए, क्योंकि हमारा फ़ोन भी उसमें गीला हो जाता, हम भी गीले हो जाते, शायद हमें घर पर मार भी पड़ती। इसीलिए लगभग 10 मिनट करीब बारिश आई थी, वो हल्की हल्की बिल्कुल बूंदाबांदी, इतना तेज भी बारिश नहीं था वो। और तेज भी आता तो क्या हुआ, जहाँ पर पवन सिंह जी आ रहे हैं वो कार्यक्रम रद्द करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं उनको देखने के लिए, शायद 5 मिनट का ही प्रोग्राम क्यों ना हो
आपको एक बात और पता होगा, जिस दिन पवन सिंह जी के पिताजी की देहांत हुआ था, उस दिन भी पवन सिंह जी उस स्टेज शो में सिर्फ 10 मिनट के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए गए थे या 20 मिनट के लिए गए थे या आधे घंटे के लिए गए थे, लेकिन गए थे वहां पर और उन्होंने सब कुछ दर्शकों को बताया। उसके बाद कुछ देर के बाद पवन सिंह जी वहाँ चले गए, लेकिन फिर भी पवन सिंह जी वहाँ गए थे, क्योंकि इतने हजारों और लाखों में लोग आ जाते हैं, उनको समझाना नामुमकिन होता है। शायद ऑर्गेनाइजर की जान चली जाए या कोई तोड़फोड़ हो जाए या भगदड़ हो जाए, किसी तरीके का कोई कारण या दर्शक काफ़ी गुस्से हो जाए जिससे वो किसी जगह का नुकसान करने लगे। और अक्सर देखने को हमें अक्सर मिलता है, क्योंकि जब भी खेसारी लाल यादव या पवन सिंह का स्टेज शो होता है, एक जगह सर्दी में खेसारी लाल यादव का भी स्टेज शो हुआ था जहाँ पर सारे विमानों को रद्द कर दिया गया और खेसारी लाल यादव वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, तो उन्हें पता लगा कि दर्शक वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो फटाफट उन्होंने बाय रोड यानी हाईवे का सहारा लिया और अपनी गाड़ी को वहाँ पर मतलब बोला कि ड्राइवर को जल्दी फटाफट चलो। लेकिन वहाँ भी कोहरा इतना घना था कि उनकी गाड़ी लगभग बता रहे थे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गाड़ी नहीं चल रही थी उनकी, तो शायद वो 300 या 250 500 किलोमीटर वो कैसे कितने घंटे में तय करते, उन्होंने लाइव आके बताया भी था, इसकी निंदा भी की थी, लेकिन फिर भी दर्शक नहीं माने, तोड़फोड़ हुआ ही। तो हम यही कह रहे हैं कि हल्का 5 मिनट की बारिश आई हल्की फुल्की, ठीक है, उस बारिश के बाद तुरंत वो बारिश रुका, और हाँ जैसे ही वो बारिश आई ना तुरंत जनरेटर बंद कर दिया गया ताकि किसी को करंट ना लग जाए। तो जब बारिश आ रही थी उसी दौरान हमने तिरपाल लिया, अपने सर को बचाया और अपने फ़ोन को बचाया, अपने फ़ोन को, तो हमने ये देखा कि एक सिक्योरिटी, देखिए ऑर्गेनाइजर तो भाग गया जिसने ये शो करवाया था, लेकिन एक सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इतने कलाकार आए हुए थे, आर नंदिनी थी और मैथिली सिंगर थे या तमाम और भी फीमेल सिंगर थी, लड़कियां थी और रात के 10 बज रहे थे, शायद उस ऑर्गेनाइजर की भी गलती थी कहीं ना कहीं, और शायद मनोज तिवारी जी की भी गलती थी, क्योंकि इस तरीके से इतनी छोटी बच्ची को, आर नंदिनी को, आप दिल्ली के उस, मैं क्या कहूँ, मैं उस दिल्ली में रहता हूँ लेकिन फिर भी उस गंदी जगह पर भेज रहे हैं जहाँ पर अक्सर हमें गलत चीज़ें देखने को मिलती है। वो बिहार की बेटी है, भारत की बेटी है, शायद कहीं ना, भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो शायद हमारे बिहार की नाम काफ़ी बदनाम होगा कि एक बिहार की कलाकार दिल्ली में आई थी शो करने और उसके साथ ये गलत हो गया। और आर नंदिनी की हम भविष्य की कामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर नंदिनी वहाँ पर हमने देखा कि मुझसे जहाँ पर मैं खड़ा था, बारिश से बच रहा था, मुझसे लगभग 1 मीटर की दूरी पे आर नंदिनी थी। और आर नंदिनी को जब मैंने देखा तो आर नंदिनी का शक्ल देखने लायक थी, बिल्कुल मतलब कि वो इमोशनल हो चुकी थी, घबरा गई थी आर नंदिनी, और दर्शक भी काफ़ी चिल्लाने लगे क्योंकि लाइट भी जा चुका था वहाँ का, लाइट उन्होंने बंद कर दी जनरेटर वालों ने ताकि किसी को करंट ना लग जाए। और तुरंत मतलब कि मैंने जब शक्ल देखा उनकी तो काफ़ी इमोशनल हो गई और मुंह उनका जैसे लगा कि वो अब रो देंगी। तो मैंने सोचा कि यार वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ यार, कहीं कोई आदमी या कोई लड़का या कोई छेड़खानी ना कर सके, और मतलब कि मैंने यही सोचा मैंने मन में कि यार की सिस्टर को थोड़ा साइड करने के लिए, और वो भी गीली उड़ते क्योंकि वो तिरपाल में नहीं थे, क्योंकि हम 20 जने लड़के थे तो शायद वो तिरपाल में थोड़ी ना आएंगी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने मन में आया मैं बोलूँ कि सिस्टर आप यहाँ पे आ जाइए, उतने में विकास झा मैथिली सिंगर, उनकी मैं उनको मैं मतलब कि मैंने उनको देखा तो मुझे काफ़ी हंसी आई जब वो गाना गा रहे थे, लेकिन दिल से मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब कि वो क्या मतलब कि वो सिंगर तो इतना बेचारा खास नहीं है, भगवान करे वो बहुत आगे बने, बहुत बड़ा सुपरस्टार बने, लेकिन वो दिल का काफ़ी अच्छा लगा। उसने तुरंत वहाँ पे खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए ताकि कोई आदमी ना आए उसके साथ, ताकि क्योंकि काफ़ी एक फीमेल सिंगर नहीं थी, काफ़ी लगभग चार पाँच सिंगर्स वहाँ पे खड़े थे फीमेल सिंगर, और एक मेल सिंगर थे जो आकाश जी थे मैथिली सिंगर, तो उन्होंने कवर किया उन पांचों लड़कियों को और किसी को वहाँ पे आने के लिए मना किया। उतने में आकाश जी ने मुझे देखा, मतलब मेरे भाई भी थे वहाँ पे, उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि भैया आप थोड़ा तिरपाल दोगे, मतलब कि थोड़ा हम गीले हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो 15 से 20 जने थे हमने पीछे तुरंत धक्का मारे सबको, भाई पीछे चलो, और हमने तिरपाल खींचा उनकी तरफ और एक साइड से मैंने पकड़ा, एक साइड से मेरे भाई ने पकड़ा था, और उसी के नीचे सब लोग मतलब कि 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए मतलब कि वो छुपे हुए थे। और बारिश जा चुकी थी फिर भी हम लोग
उस तिरपाल के नीचे थे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आया कि बारिश जा चुकी है कि आ रही है, क्योंकि काफ़ी शौक लगा था, धक्का लग गया था हमें कि अब क्या होगा, पवन सिंह आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए प्रोग्राम, काफ़ी हम डर गए थे अंदर से कि अब पवन सिंह नहीं आएंगे तो फ़ायदा क्या होगा देख के शो। तो ऑर्गेनाइज़र का यकीन मानी, तब तक भी कोई पता नहीं था वहाँ पे, और मुझे काफ़ी शर्म आई और गुस्सा भी आया ऑर्गेनाइज़र पे, क्योंकि दिल्ली के जो लोकल लोग थे वो भी शायद बिहार के कलाकारों को देखने के लिए आए हुए थे, उसमें मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने ये कहा यार दिल्ली यार तुम्हारे बिहार के साइड के कलाकार ये क्या हैं, एक क्या सिक्योरिटी गार्ड भी अपने साथ लेके नहीं आ सकते। मुझे काफ़ी शर्म महसूस हुआ कि मैंने कहा नहीं भाई ये ऑर्गेनाइज़र की गलती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे आर नंदी की भी, पर वो छोटी बच्ची है उसकी क्या गलती हम कहें, क्योंकि यह कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइज़र की गलती तो बिल्कुल हम मानेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र कम से कम ये तो कह सकता था कि आर नंदिनी जी आप या फिर तमाम कलाकार अपनी अपनी गाड़ियों में चली जाइए, आप अपनी अपनी कार में चली जाइए भले उस, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो उल्टा वहाँ से भाग गया। फिर जब बारिश रुकती है तो 5 मिनट के बाद वो स्टेज पर आता है, स्टेज पर आता है तो खड़ा साइड में कुछ बोल भी नहीं रहा, तो हमें लगा कि वो कुछ बोल नहीं रहा यानी वो शो होगा, क्योंकि पवन सिंह भी आने वाले हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर शुरू में गया था ना, जिस टाइम ये शो होने वाला था, शुरू नहीं हुआ था उस टाइम पे, मैंने वो मंच देखा ना, तो मंच लगभग वो 5 से 7 फीट की भी वो मंच नहीं थी, और ऊंचाई में आप मानिए कि 2 फीट, मात्र 2 से 3 फीट की मंच था वो। तो मुझे काफ़ी शौक लगा, धक्का लगा कि यार इतना छोटे मंच पर पवन सिंह कैसे आ सकता है, और लेकिन फिर तब भी मैंने मान लिया कि क्या पता मनोज तिवारी जी बीजेपी में है, और इस समय अब आने वाले चुनाव का समय है, तो क्या पता कि मनोज तिवारी जी के थ्रू पवन सिंह जी आ जाए, क्योंकि वो भी बीजेपी में शामिल है, तो क्या पता 10 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, उनको एक झलक उनकी देखने को हमें मिले, तो शायद ये कहीं ना कहीं थी। और क्या है ना कि पवन सिंह का मामला दिल नहीं मानता, पवन सिंह का नाम सुनते ही दर्शक जैसे पागल होते हैं, वैसे हम भी पागल हो जाते हैं, ये कोई भी पागल जाएगा जो उनके चाहने वाले हैं। तो हम लोग, मैंने ये देखा कि वहाँ पे यार इतना छोटा ये स्टेज हुआ है, पवन सिंह यहाँ पे कैसे आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं माना, मैं वहाँ पे खड़ा रहा। और हाँ, जब ये बारिश वारिश सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कुछ देर के बाद और वहाँ पे आता है ऑर्गेनाइज़र और कहता है कि ये कार्यक्रम रद्द किया जाता है बारिश के कारण, क्योंकि बारिश तो ख़त्म हो चुकी है, नहीं 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 माफ़ कीजिएगा, बारिश के कारण नहीं, ये कार्यक्रम रद्द किया जाता है, साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब आप ये बताइए कि साउंड सिस्टम काफ़ी अच्छा खासा साउंड सिस्टम था वहाँ पर जितने बड़े पवन सिंह के जितने बड़े साउंड सिस्टम्स आते हैं, उतने बड़े तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा काम चलाऊ था, बढ़िया था मतलब। और जैसे ही बारिश का हल्का बूंदा बूंदी शुरू हुई ना, उस साउंड सिस्टम को तुरंत ढक दिया गया, सबसे पहले उस साउंड सिस्टम को ढका गया। और मैंने साउंड सिस्टम वालों से ये भी कहते सुना कि यार ये बारिश आ गई, आप ये शो मतलब कि हम बंद कर देंगे, अब अच्छा नहीं है, मतलब कि ऑर्गेनाइज़र से ज़्यादा वहाँ पर साउंड सिस्टम वाले ही चल रही थी कि अगर हमने बहाना मार दिया कि भाई साउंड सिस्टम में बारिश में थोड़ा पानी घुस गया, छोट हो गया, तो ये कार्यक्रम रद्द हो चुका, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था ना, लगभग 11 बज गए थे, और 11 बजे कौन पवन सिंह आएगा यार, मनोज तिवारी आएगा, समझ में मुझे ये नहीं आता, 11 बजे 12 बजे पवन सिंह शो करने आएगा। तभी मेरे दिल में एक मतलब कि मुझे पता लगा मुझको कि यार हम भी न्यूज़ बनाते हैं और भोजपुरी फैंस क्लब से भी हम जुड़े हुए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े जब भी कोई न्यूज़ अपडेट होती है तो सबसे पहले हम लोगों को ही पता लगता है और आप सब दर्शकों को हम बताते हैं। तो हमने ये देखा कि पवन सिंह जी डुमरिया यानी आरा के साइड में ही एक स्टेज शो होने वाला था, और दुबई में कोई शायद होंगे, उन्होंने ही पवन सिंह जी को बुलाया था वो शो करवाने के लिए, और पवन सिंह जी ने आके बोला था कि आप सभी दर्शक वहाँ पे आइए, माता का जागरण हो रहा है और मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ। और अगले दिन सुबह उसका स्टेज शो भी मुझे देखने को मिला, पवन सिंह जी तो वहाँ पे हैं तो यार यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो ठीक है, मंच भी काफ़ी छोटा था। उसके बाद क्या हुआ कि बारिश हट गई तो हमने आर नंदिनी को मतलब कि वो चली गई वहाँ पे बैठ गई सीट पर अपने, और उसके बाद ऑर्गेनाइज़र आके कहता है कि इसको मतलब कि साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है, इसको रद्द किया जाता है।
तो यार मुझे पता है काफ़ी धक्का लगा कि 2 मिनट की बारिश के कारण तुम पवन सिंह बस वो क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे, जब जब आरमनी का एक गाना खत्म हो रहा था तब तक वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि पवन सिंह जी और मनोज तिवारी जी रास्ते में हैं, बस कुछ ही पल में आपके बीच आने वाले हैं, मनोज तिवारी पवन सिंह जी बस आप आने ही वाले हैं, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे। और मुझे शक था कि यार ये कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट कर रहे तो यार आएगा ही जरूर पवन सिंह भाई, लेकिन पवन सिंह जी वहाँ पर नहीं आए और ना ही मनोज तिवारी कोई नामो निशान था वहाँ पर। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए, सब लोग चले गए वहाँ से। हम उस भीड़ में हमने ये भी जानने की कोशिश किया लोगों से, हम आपको एक वीडियो भी जारी करवाएंगे जिसमें लोगों से हमने पूछा कि आप पवन सिंह जी को देखने आए हैं या किसको देखने आए हैं, आप किस लिए इस शो में आए हैं। तो वो लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हम सिर्फ पवन सिंह को देखने आए हैं। तो हमने ये भी बोला कि पवन सिंह जब तक नहीं आएंगे क्या आप तब तक नहीं जाएंगे? उन्होंने साफ साफ बोला कि जब तक पवन सिंह जी नहीं आएंगे तब तक हम गीले हों, कुछ भी हो, बाढ़ आए यहाँ पर, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ पवन सिंह जी को देखने आए हैं। लेकिन शायद उन दर्शकों का चेहरा देखने लायक था, काफ़ी मायूस भी थे और काफ़ी उन पर मोह भी आ रहा था कि किस तरीके से बेचारे इतने अपना काम धंधा छोड़ के और वो पवन सिंह को देखने के लिए आए और ये ऑर्गेनाइजर्स झूठ का सहारा ले रहे हैं। यानी उनका कहीं ना कहीं नाम होता कि जैसे कि बारिश आ गया भाई पवन सिंह के कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, लेकिन पवन सिंह तो आ रहा था, इतनी बड़ी बात, मतलब कि जो पवन सिंह को बुला रहा है वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, वो भी काफ़ी बड़ा होगा। तो उन्होंने सहारा ले लिया। और जब मैं सुबह उठा, हाँ एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने कहा था उस पर लिखा हुआ था कि पवन सिंह और उसके बाद लिखा था साइड में कि आलोक कुमार भोजपुरी प्रसिद्ध गायक और सुर संग्राम विजेता, ये भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी आलोक कुमार का नाम ही नहीं लिया। इससे साफ पता लगता है, जबकि आलोक कुमार इतने बड़े सिंगर हैं, इससे साफ पता लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं लोचा कर रहे हैं, मुझे उस टाइम तक पता लग चुका था। उसके बाद जब मैं सुबह उठा और मैं 11-12 बजे करीब घर गया और जब सुबह उठा तो सुबह उठने पे मैंने खुद जब अपना YouTube खोला न्यूज़ जानने के लिए तो मैंने देखा कि डुमरिया में पवन सिंह जी का लाइव शो कल रात को लास्ट नाइट उनका स्टेज शो था आरा के साइड में और पवन सिंह जी वहाँ पर स्टेज शो कर रहे हैं, वो भी रात में। और लगभग पवन सिंह जी की जो फीस है 8 लाख 10 लाख 12 लाख जो भी वो फीस लेते होंगे उसके हिसाब से वो आधा एक घंटे के लिए नहीं आते होंगे, लगभग 3-4 घंटे के लिए आते होंगे शो करने के लिए, कोई आधा घंटा या 1 घंटे के लिए वो नहीं आते होंगे। तो लगभग वो उनका शो लगभग यही टाइमिंग होती है 8 बजे की शुरुआत, अगर 8-8:30 बजे वो पवन सिंह जी आ रहे हैं तो लगभग 12-1 बज जाएगा उनको वहाँ से जाते जाते, क्योंकि आने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, जाने में भी प्रॉब्लम होती है। अब वो थोड़ा ना कि जैसे ही 12 बजे ख़त्म होगा कूद कर दिल्ली में आ जाएंगे, यार वो स्टार आदमी है, वो इतना आसानी से थोड़ा ना कहीं जाता है। तो मुझे काफ़ी धक्का लगा, यार ये तो पवन सिंह तो रात को वहाँ पर शो कर रहे हैं तो पवन सिंह दिल्ली में कैसे आ सकते थे? एक प्रूफ ये हो गया। दूसरा प्रूफ, उन्होंने जब ये कहा कि आलोक कुमार का उन्होंने नाम ही नहीं लिया जबकि लिखा था वहाँ पर आलोक कुमार, शायद वो भूल गए होंगे झूठ का सहारा लेते लेते। उसके बाद ये कहानी तो यह समाप्त हो गई, ये सच्ची घटना तो समाप्त हो गई, लेकिन हम बता दें कि शायद अगर पवन सिंह का नाम वहाँ पर वायरल हो जाता, क्योंकि 200-250 लोग तो मुझे लगता है कि संभालने वाले आते होंगे पवन सिंह के शो में, अगर गलती से उन लोगों ने झूठ बोला था, ये तो बात पक्की है कि उन्होंने झूठ बोला था कि पवन सिंह, हाँ अगर वो पवन सिंह जी जैसे कि बारिश नहीं आती, चलो बारिश आई तो उन्होंने बोल दिया कि दादा ठीक है, अगर बारिश नहीं आती तो मुझे साफ साफ ये चीज़ तो मुझे पक्का पता था कि साउंड सिस्टम वाले बोल देते कि साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है और इस कार्यक्रम को यही रद्द किया जाता है, हमें खेद है वगैरह वगैरह बोल के वहाँ चले जाते। अगर गलती से पवन सिंह जी सच में ही वहाँ पे आने वाले होते, भले ही सच में ही वो तो बात पक्की है, लेकिन अगर गलती से वो पवन सिंह जी वहाँ पे सच में आने वाले होते और वहाँ पर मतलब कि लोगों को पता लग जाता, क्योंकि लोग 250 लोग कुछ नहीं होते हैं, फिर वहाँ पर 1,000 2,000 5,000 10,000 लोग या 20,000 लोग पहुँच जाते, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजर का क्या हाल होता? वहाँ पर भगदड़ होती, लोग ईंट पत्थर चलाते,
स्टेज में पंडाल में आग भी लगा सकते थे, कुर्सी तोड़ते, भगदड़ होती, पुलिस सिक्योरिटी का फिर वहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया था, कुछ भी हो सकता था। मतलब वहाँ पर मुझे लगता है वहाँ पर ऑर्गेनाइजर का खून भी हो सकता था, क्योंकि काफ़ी आपने सुना होगा कि कुछ भी हो सकता है। मतलब यार इतनी भीड़ है, 20-25,000-50,000 लोग इस स्टेज शो में देखने उनको आते हैं, तो आसान बात नहीं भाई। तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजर ने भी पागलपंती की। आर नन्नी सिक्योरिटी में नहीं आई, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। मनोज तिवारी जी को सोचना चाहिए था इस पर, और हमें काफ़ी शर्म भी आई कि यार बिहार के कलाकार किसी, मतलब कि लोकल दिल्ली वाले ने बोल दिया कि यार तुम्हारे बिहार के कलाकार एक गार्ड भी लेके नहीं आ सकते। मुझे काफ़ी शर्म सी आई मुझको कि यार हम आम बंदे हैं, उनके साइड में खड़े हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो ये थी सच्ची घटना जो मेरे साथ हुई थी और मैंने आपको बताई। खबर अगर सच्ची लगी हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सच्ची घटनाएं जो और लोगों के साथ बीती हुई है वो हम आपके बीच लेके आते रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सच्ची घटना लाने में टाइम लगता है, क्योंकि जो सच्ची घटनाएं होती हैं वो हमें पड़ताल करना पड़ती है, पड़ताल करते करते हम उसे ढूंढेंगे, निकालेंगे, तभी उसको ला सकते हैं हम। और अगर झूठ खबर होगा तो हम लोग रोज़ आपको 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची घटना ही है। हमने इस अभी नहीं, ये पहला ही वीडियो है मेरा इसीलिए, क्योंकि जो मेरे साथ ये हुआ है तो मैंने सोचा कि आप सबके बीच ये चीज़ लाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीज़, ये कहानी, सच्ची घटना आपको बताई मैंने। और तभी मेरा दिमाग भी खुला कि ऐसी सच्ची घटनाएं कुछ आप सभी दर्शकों को सुनाया जाए। तो देखते हैं अगली सच्ची घटना हमारे हाथ लगती है कि नहीं लगती। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए, और भोजपुरी भाषा का नाम ऊंचा करने के लिए हमेशा आप खड़े रहिए। धन्यवाद। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और भोजपुरी इंडस्ट्री की